हाय एवरीवन, वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए पैन ग्रिल चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर पे बनाना बहुत आसान है और साथ में खाने में भी बहुत डिलीशियस होती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडिंग जार में डालेंगे 1/4 कप तेल, स्वाद के हिसाब से नमक, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ली हूँ, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून ऑरेगानो, 4 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 8 लहसुन, 1/2 कप धनिया के पत्ते और 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते, 1 टेबलस्पून चीनी। अब इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब कुछ ब्लेंड होके मैरिनेट प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट 1 kg, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। चिकन के पीसेस इस तरह से फ्लैट होने चाहिए। प्रिपेयर करके रखे हुए मैरिनेट को पूरे चिकन के ऊपर पोर कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों के हेल्प से मसाज करते हुए सारे चिकन के पीसेस के ऊपर मैरिनेट को अच्छे से कोट कर लेंगे। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम साइड करके रख लेंगे। 4 घंटे के बाद अब गैस में एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और तेल को पूरे पैन में अच्छे से ब्रश कर लेंगे और इसे मीडियम गर्म होने देंगे। पैन मीडियम गर्म है तो चिकन के पीसेस को डालेंगे। फ्लेम को हाई में रखेंगे और 3 मिनट के लिए एक साइड को हम कुक होने देंगे हाई फ्लेम में ही। तेल थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे ऊपर की तरफ। 3 मिनट हो चुके हैं एक साइड के चिकन को हाई फ्लेम में कुक होने के, तो अब इसे हम फ्लिप करेंगे और दूसरे साइड को भी 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में हम कुक होने देंगे। अब इस तरफ भी हम थोड़ा सा तेल से ब्रश कर लेंगे चिकन के पीसेस को। चिकन के दोनों साइड्स को हमने 3-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में कुक कर लिया है, तो अब गैस के फ्लेम को हम लो से मीडियम में रखेंगे और इसी तरह से चिकन के पीसेस को बीच बीच में फ्लिप करते हुए हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ये पूरा टेंडर नहीं हो जाता। इस साइज के चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस को पूरी तरह से कुक होने के लिए 15 से 16 मिनट का टाइम लगता है। जितनी बार आप चिकन के पीसेस को फ्लिप करो, उतनी बार आप इस तरह से थोड़ा सा ऑयल से ब्रश करते रहिएगा। और यहाँ पे कुछ ही मिनटों के बाद आप देख सकते हैं चिकन पूरी तरह से कुक हो चुका है। चिकन के पीसेस को एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और इसी सेम तरीके से बाकी के पीसेस को भी कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है इसे गर्मा गर्म। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए इस पैन ग्रिल चिकन की रेसिपी को अपने घर में, और मुझे अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन कितने अच्छे से कुक हो चुका है और अंदर से भी ये कितना जूसी लग रहा है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।